सहारा इंडिया में यदि आपका पैसा फंसा है तो पाने के लिए अपनाएं ये कदम, बहुत जल्द मिलने वाला है। सहारा समूह में यदि आपने भी पैसा निवेश किया है तो यह काम जल्द कर लें, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सहकारिता मंत्रालय को 5,000 करोड़ की राशि मिल गई है, जिसे निवेशकों के बीच बांटनी है। सहारा ग्रुप के 4 सहकारी समितियों में निवेश करने वाले 10 करोड़ निवेशक हैं। अब ऐसे में किसको पहले पैसा मिलेगा, इसके लिए सहकारिता मंत्रालय ने अपना निर्णय सुना दिया है। सहकारिता मंत्रालय सभी निवेशकों का सत्यापन और उनकी शिकायत के हिसाब से करेगा। जिन निवेशकों ने शिकायत पहले से ही सहकारिता मंत्रालय के पास भेज रखी है, उनकी भुगतान पहले राउंड में शुरू होगी। अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया में लगा है और आप भी अपना रिफंड पाना चाहते हैं तो आपको रिफंड पाने के लिए सहकारिता मंत्रालय में सहारा इंडिया की क्रेडिट सोसाइटी को लेकर शिकायत दर्ज करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका पैसा वापस जल्द मिल सकता है। सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास शिकायत के लिए एक पेपर शीट पर एक आवेदन दर्ज करा लें, जिसमें आप बता सके कि आप किस प्रकार सहारा से जुड़े थे और आपका कितना पैसा सहारा की 4 सोसाइटी में फंसा है। शिकायत के साथ आपको अपने बैंक अकाउंट की पासबुक सहित आधार कार्ड एक सेट में लगाना होगा। यह सभी काम करने के बाद आपको डाक के माध्यम से अपनी शिकायत को इस एड्रेस पर भेजना है। श्री विजय कुमार, IAS, सहकारिता मंत्रालय, अतिरिक्त सचिव और सहभागियों के केंद्रीय एजेंसी तल, 1 अटल ऊर्जा भवन, लोधी रोड, CGO कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली, पिन 110003, मार्क लाल नेहरू स्टेडियम। अब बात करते हैं सेंट्रल रजिस्ट्रार को भुगतान करने का आदेश कैसे मिला। तो आपको बता दें कि सहारा इंडिया क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था, जिसमें मुख्य रूप से कोर्ट ने अपने आदेश में सहारा इंडिया की तरफ से उसका पक्ष मांगा था। अब सहारा इंडिया का पक्ष 27 अप्रैल 2023 को उच्च अदालत में सुना जाएगा। इसी के साथ न्यायालय ने सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को 6 माह के अंतर्गत सभी सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशकों का भुगतान करने का आदेश दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सहारा इंडिया ग्रुप की करीब 500 से ज़्यादा कंपनीज भारत में काम कर रही हैं, जिनमें से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी सहारा परिवार का हिस्सा है। सन 2012 और 13 से लेकर 2018 के बीच निवेशकों के पैसे को एक कंपनी से परिवर्तित करते हुए सहारा की क्रेडिट सोसाइटी में परिवर्तित किया गया था, जिसकी जानकारी काफी निवेशकों को नहीं थी। निवेशकों को भुगतान के लिए सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से सहारा से भी रिफंड खाते में पड़े 24,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ रुपए की मांग की अर्जी लगाई थी। वहीं यह रिक्वेस्ट यूनियन ऑफ इंडिया बनाम सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव केस के अंतर्गत प्रशांत भूषण की ओर से की गई थी, जिसको स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी सहारा निवेशकों को सहारा से भी अकाउंट से 5,000 करोड़ की राशि जारी कर दी है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।